तो चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, अवध और पूर्वांचल में बागी बने अखिलेश के लिए मुसीबत। देखिए बागियों ने समाजवादी पार्टी का खेल किस तरह से बिगाड़ा है। सपा के बागी अब्बास अली जैदी को बसपा का टिकट। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं टांडा से शाबना खातून। इसी के साथ आपको बता दें कि मड़ियाव से श्रद्धा यादव को टिकट, आप किस किस को टिकट दिया गया है ये आपको बता रहे हैं। टांडा से शाबना खातून बीएसपी से ताल ठोक रही हैं, एक एक नाम आपके सामने। तो वहीं श्रद्धा यादव बसपा से मैदान में उतरी हैं। सपा के बागी अब्बास अली जैदी को बसपा का टिकट मिला है। तीसरे चरण के मतदान के बाद अवध और पूर्वांचल में सियासी तपिश बढ़ गई है। पूर्वांचल में इस बार सियासी लड़ाई काफी जबरदस्त हो गई है। जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी के बागी बसपा के हाथी पर सवार होकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, बुंदेलखंड अवध और पूर्वांचल इलाके में बसपा ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। समाजवादी पार्टी के लिए बागियों ने मुसीबत खड़ी कर दी है। समाजवादी पार्टी से नाराज कार्यकर्ता और नेता अखिलेश यादव को सबक सिखाने में जुटे हैं। टिकट न मिलने से समाजवादी नेता बागी हो गए हैं और अपनी ही पार्टी को हराने के लिए मैदान में उतर गए हैं। चौथे चरण से लेकर सातवें चरण के चुनाव में बागियों का सबसे ज्यादा सामना अखिलेश यादव को ही करना पड़ रहा है। पूर्वांचल की कई सीटों पर गठबंधन के बाद भी समाजवादी पार्टी को बागी ही पलीता लगा रहे हैं। अयोध्या के रुदौली से समाजवादी पार्टी ने अब्बास अली जैदी मियां का टिकट काट दिया। अब जैदी मियां को साइकिल की सवारी नहीं मिली तो वो हाथी पर सवार हो गए। जैदी मियां की सवारी ने रुदौली में साइकिल को पंचर करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। दो बार विधायक रहे अब्बास अली जैदी मियां इस बार बसपा के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। टांडा में शबाना खातून को टिकट नहीं मिला तो वो बसपा से मैदान में उतर गईं। मड़ियाहू में सपा से टिकट न मिलने पर पूर्व विधायक श्रद्धा यादव बसपा से मैदान में हैं। पूर्वांचल के फाजिल नगर सीट पर सपा ने बीजेपी से आए स्वामी प्रसाद मौर्य को मैदान में उतारा तो सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी बागी हो गए, वो अब बसपा से चुनावी मैदान में हैं। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से भी अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रही शादाब फातिमा को भी बसपा ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी के चौथे से लेकर सातवें चरण तक की गणित पर बागियों ने पानी फेर दिया है। एक तरफ बागी तो दूसरी तरफ सपा को भीतरघातियों से भी बड़ा खतरा है। टिकट न मिलने से समाजवादी नेता आहत हैं, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ सकते, इसलिए पार्टी में रहकर पार्टी को दीमक की तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति बन गई है। बागी और भीतरघाती अखिलेश यादव के लखनऊ की सत्ता पर काबिज होने के सपने को चकनाचूर करने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी के बागियों पर मायावती ने जो दांव चला है वो बसपा को कितना फायदा करेगा इसका तो नहीं पता, लेकिन समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा रहा है ये तो पक्का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।